संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा 24 अप्रैल को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस अवसर पर मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर रैली आयोजित की जाएगी, जिसे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी तीर्थ सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व शांता कुमार और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती संबोधित करेंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा 24 अप्रैल को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस अवसर पर मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, मंडी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी तीर्थ सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व शांता कुमार और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती भी जनता को संबोधित करेंगे। सुंदरनगर भाजपा अध्यक्ष एवं विधायक राकेश जम्बाल ने कहा कि रामस्वरूप शर्मा 24 अप्रैल को सुबह 11 बजे अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस अवसर पर मंडी संसदीय क्षेत्र से कार्यकर्ता व मंडी जिला से भारी संख्या में लोग पड्डल मैदान में एकत्रित होंगे। उन्होंने बताया कि पड्डल से रैली के रूप में सेरी मंच तक पार्टी के नेता व कार्यकर्ता जाएंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा बड़ी जीत की ओर अग्रसर हो रही है। मोदी सरकार की 5 साल की उपलब्धियों के अलावा प्रदेश सरकार के 1 साल के कार्यकाल की योजनाओं को लेकर लोगों के बीच जाया जा रहा है। कि मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी आदरणीय रामस्वरूप शर्मा जी 24 तारीख को 11 बजे अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। उनके नामांकन के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, पार्टी के हिमाचल के चुनाव प्रभारी तीर्थ सिंह रावत जी, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शांता कुमार जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती जी, सभी प्रमुख नेता नामांकन वाले दिन उनके साथ यहां पर रहेंगे। और नामांकन के पश्चात यहां सेरी मंच पर जनसभा को संबोधित भी करेंगे। आज इस मंडी संसदीय क्षेत्र में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर आज यहाँ पर अग्रसर हो रही है। आज जहाँ हम केंद्र सरकार की, मोदी जी की सरकार की 5 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर, वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व वाली सरकार की 1 वर्ष की जो उपलब्धियाँ हैं उनको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। राकेश जम्बाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रत्याशी उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी राजनीतिक अनुभवहीनता का परिचय दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई परिवार भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इस बार मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा की जीत ऐतिहासिक होगी। कांग्रेस के प्रत्याशी आश्रय शर्मा जी बड़ी बड़ी बातें विभिन्न सभाओं में जाकर कर रहे हैं और अनेकों प्रकार की ऐसी भाषा का भी वो प्रयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके जो जिसको कहता हूँ कि अनुभव की कमी के कारण ये सारी बातें हैं। उनको ये राजनीति विरासत में मिली है। उन्होंने कभी संघर्ष नहीं देखा, कभी कार्यकर्ता के रूप में काम नहीं किया। उनके पिताजी विधायक रहे, मंत्री रहे, दादाजी बड़े बड़े विभिन्न पदों पर रहे हैं और उसी के कारण से मुझे लग रहा है कि उनका जो राजनीति में कम अनुभव है उसके कारण ये सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 19 तारीख को जनता फैसला कर लेगी और 23 तारीख को जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन आश्रय शर्मा जी को पता चलेगा कि मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति, प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति और यहां से पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रामस्वरूप शर्मा जी के प्रति किस प्रकार का झुकाव है, किस प्रकार का उनका जनादेश दिया है।